अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल हमज़ा। आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आज की जो वीडियो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों चैनल पे अपलोड करूं, एक जो मेरा ये चैनल है टेक्निकल हमज़ा और दूसरा जो मेरा चैनल था हमज़ा अकेडमी वाला। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों पे अपलोड करूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मोस्टली लोगों को, बहुत से ज़्यादा लोगों को एक सेम प्रॉब्लम फेस आ रही है, मुझे भी खुद भी फेस आ रही है, क्या कि आई क्यू ऑप्शन जो है वो परसेंटेज लोगों की गिरा देता है, डाउन कर देता है, लो कर देता है, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। तो पिछले दिनों मेरे साथ, मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा एक वाकया हुआ, उसकी परसेंटेज वो गिर गई। तो उसका जो अकाउंट था वो मेरे एफिलिएट लिंक के साथ, मेरे रेफरल से था। तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में प्रूफ दूंगा कि यार क्या था, ठीक है, प्रूफ दे के बात करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँगा कि हुआ क्या है, किस तरह से मैंने उसको रिकवर किया। अच्छा, उसकी परसेंटेज गिर गई तो मैंने आई क्यू की जो है हेल्पलाइन पे बात की, मैंने कहा यार ये आप जो है परसेंटेज अब उसने कुछ कुछ भी नहीं किया, वेपिन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, परसेंटेज आप लोगों ने गिरा दी है। तो फिर उन्होंने वही बात बोली जो हमेशा बोलते हैं कि यार आपने वीपीएन यूज़ किया होगा। मैंने बोला यार वीपीएन नहीं यूज़ किया, आप देख चेक करें आप, ये मेरा एफिलिएट का अकाउंट है, एफिलिएट से मेरे इसने ज्वाइन जो है वो ज्वाइन किया था। और जो है मैं आपको आपकी वीडियोस में अपने चैनल पे बनाता हूँ, प्रमोशन करता हूँ आपकी, आप ऐसे इस तरह करते हैं। तो फिर ये हुआ ये कि उनका अच्छा चेक करते हैं, फिर दो दिन बाद जो है उसकी परसेंटेज जो है वापस से ठीक हो गई, मतलब सही हो गई। दो दो मैंने एक मेरे दोस्त की और एक और दोस्त था उसकी भी इसी तरह से परसेंटेज गिरी थी, वो भी मैंने इसी तरह से वापस ले किया, उसकी परसेंटेज ठीक करवाई है। लेकिन मेरे जो खुद के अकाउंट की जो परसेंटेज गिरी थी, जिसमें मैंने हज़ार प्लस डॉलर का प्रॉफिट लिया था, उसकी परसेंटेज गिरी थी, उसको मैंने आई क्यू वाले से जो है वो किया कॉन्टैक्ट, तो उन्होंने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि उस अकाउंट से ऑलरेडी हज़ार डॉलर प्लस का प्रॉफिट निकल गया था। तो इसमें एक बात साफ है, आई क्यू ऑप्शन की अगर परसेंटेज गिर जाए तो वो वापस आ सकती है, लेकिन अगर आपने आई क्यू ऑप्शन से प्रॉफिट किया लाइक का 1000 प्लस डॉलर का आपने प्रॉफिट किया है, तो फिर जो है उस अकाउंट की परसेंटेज आपकी नहीं आ सकती, ये सीधी साफ बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार हुआ क्या, असल में सारा क्या सिस्टम था। हुआ ये था कि यार आई क्यू से मेरी पूरी बात हुई, इसके आई क्यू वाले की जो कौन सी आंटी है उसका नाम है नसीम नाम है उस आंटी का, क्या नाम है वो जो इंडिया वाली आंटी आई क्यू की जो फ़ोन उठाती है, अच्छा उससे बात हुई मेरी प्रॉपर इस पर। तो उसने फिर उस हालत वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि यार हम ये करते हैं, उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसने जो है वो उस पर वर्कआउट किया। तो मेरे जो दो फ्रेंड्स थे उनकी परसेंटेज वापस आ गई थी। पहले मैं आपको प्रूफ देता हूँ, अगली वीडियो हम बाद में करेंगे, वीडियो वैसे ही लंबी हो जाएगी यार। पहले आपको प्रूफ ये देखो यार, अकाउंट था मेरे दोस्त का, ये अकाउंट लो मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ, ये देखो यार यहाँ पर देखो इसकी 30% पे इसकी परसेंटेज आ गई थी। मैंने इसका जब मैंने उससे बात की तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, मैंने कहा यार देखते हैं, यहाँ पे देखो इसकी 30% पे इसकी परसेंटेज इसकी आ गई है, ठीक है, आ गई थी। तो जब मैंने उसके पूरी मेरी उससे बात वगैरह हुई, तो उसके बाद अभी देखो ये अकाउंट था, ये पिक्चर भी देख लो, ये सारा अकाउंट अब जो है इस, मैंने अकाउंट इसका ओपन किया हुआ, ये देखो ये वही अकाउंट है, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज देखो 87 इसकी परसेंटेज है, समझ आ गई है परसेंटेज, आप इसकी दोबारा से फुल हो गई है परसेंटेज। वो इस सूरत में कि यार मैंने इसका जो अकाउंट था वो मेरे एफिलिएट लिंक से था, मेरे रेफरल लिंक से था इस। अच्छा, अब यहाँ पे बात करने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि यार आप बोलो कि यार ये बंदा कह रहा है मेरे रेफरल से अकाउंट बनाओ। भाई लोग, मेरे रेफरल से अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस बंदे के रेफरल से अकाउंट बनाओ जो बंदा आपके लिए बात कर सके, जिस बंदे जिस बंदे का कुछ चैनल वगैरह हो, या जो बंदा आईक्यू की प्रमोशन वगैरह कुछ करता हो, मतलब जो आईक्यू से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता हो कुछ, आप उस बंदे के अकाउंट बना ले। नहीं, मेरे रेफरल से ना बनाए अकाउंट, मैं नहीं कहता मेरे रेफरल से बनाए, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर मेरे रेफरल से अकाउंट होगा आपका, तो आपकी कोई इस तरह से इशू आएगा तो मैं आपके लिए बात करूंगा उनके साथ, तो आपके भी परसेंटेज इस तरह से वापस आ सकती है। लेकिन कंडीशंस क्या हैं इसकी, कंडीशन कुछ है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है, आपने अगर वीपीएन यूज़ किया तो कभी परसेंटेज आपकी वापस नहीं आएगी। सेकेंडली, आपने अगर बड़ी बड़ी ट्रेड लगाई हैं लाइक का 200 डॉलर 300 डॉलर की आपने ट्रेड ठोकी हुई हैं, क्योंकि यार आई क्यू ऑप्शन से लेने का एक तरीका है,
क्या तरीका है? आराम आराम से आप इसको लो, एकदम से खाने की कोशिश करोगे या आपको उठा के बाहर फेंकेगा, कभी नहीं सही करेगा। थोड़ा थोड़ा खाओ, वो आप डेली का 60-70 डॉलर, $80 का प्रॉफिट आप लो, 90 डॉलर का प्रॉफिट लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप डेली की ट्रेड 200-200 डॉलर की, 300-300 डॉलर की ट्रेड लगाओगे और विन, 2-3 ट्रेडें विन करोगे इकट्ठी, तो आपकी जो परसेंटेज है वो उड़ा देगा। आराम आराम से लो तो आपको एक अकाउंट से $1,000+ का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, मैंने क्या बताया, वीपीएन लगाओगे परसेंटेज नहीं आएगी, बड़ी लॉट्स की ट्रेड मारोगे परसेंटेज वापस नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ भी आप इस मोबाइल पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, उस मोबाइल पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, इकट्ठे दोनों में लगे हुए हो, नहीं आएगी, ठीक है? एक तो, और हाँ, एक इंटरनेट पे आपकी परसेंटेज वो गिरी, अगर आपकी एक इंटरनेट पे परसेंटेज गिरी है आपकी, तो दोबारा से उस नेट आप चेंज कर लें, उस नेट पे जो है वो अपना करें, ठीक है? और जहाँ तक स्किल की बात है कि यार आईक्यू के साथ हमें स्किल भी नया बनाना पड़ता है मेरे भाई, मैंने 2016 में स्किल अपना बनाया था, आज तक वही स्किल चल रहा है, मैंने कोई 200 IQ में चेंज कर चुका हूँ, मेरा एक ही अभी तक स्किल चल रहा है, तो स्किल आपका एक ही वही रहेगा, नए अकाउंट बनाओ तो IQ के कोई इशू नहीं है, ठीक है जी? तो अब यहाँ पे बात करने का मकसद मेरे भाई ये है कि अगर आपका अकाउंट मेरे रेफरल लिंक से होगा, मेरे अफिलिएट लिंक से होगा, अफिलिएट लिंक मेरा कहाँ भरा है, यहाँ पे मैंने देखो ये मैंने चैनल पे दिया हुआ ये वाला, ठीक है? इस पे क्लिक करके आप अकाउंट बना लोगे, या आप वीडियोज़ मेरी कोई भी वीडियोज़ है, मेरी वीडियो उठाओ, मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आईक्यू ऑप्शन रेफरल लिंक, अब वहाँ से अकाउंट बना लो। ये देखो ये भी यहाँ पे मैंने अपना अफिलिएट लिंक दिया हुआ, यहाँ से आप अकाउंट बना लो क्लिक करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उठा लो, वहाँ से आप अकाउंट बनाओ, ठीक है? जो मैंने आपको कंडीशन बताई, अगर इनमें से आपने कोई रूल ब्रेक नहीं किया तो फिर आप जो है आपके परसेंटेज गिरती है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपके बिहाफ पे उनसे बात करके आपका अकाउंट ओपन करवाऊंगा। शर्त ये है जो मैंने आपको बताई है, एक वीपीएन यूज़ नहीं ना करो आप, बहुत बड़ी अमाउंट की ट्रेड्स ना लगाओ आप, और जो थर्ड है एक इंटरनेट पे अगर आपकी परसेंटेज गिरी है फिर आप नेट अपना चेंज कर लो, ठीक है? और नेक्स्ट वो थी कि अगर आपने $1,000+ का आपने प्रॉफिट लिया है एक अकाउंट से, उसकी परसेंटेज गिरी है, उसके भी वापस नहीं आ सकती, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मेरे जो मेरे खुद के अकाउंट थे जिनकी परसेंटेज गिरी है वो अभी तक वापस नहीं आई, क्योंकि उनसे मैंने जो है वो प्रॉफिट लिया, $1,000+ का उनसे मैंने प्रॉफिट निकाला हुआ है, उनकी परसेंटेज अब नहीं आ रही वापस, ठीक है? अगर आपने प्रॉफिट नहीं निकाला इतना, $200-$300 का निकाला है तो कुछ नहीं, आपकी परसेंटेज आराम से आ जाएगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे, लेकिन शर्त ये है कि आपका अकाउंट मेरे एफिलिएट से होगा। अगर आपका अकाउंट मेरे एफिलिएट से नहीं होगा तो वो जो नसीम आंटी है आईक्यू ऑप्शन वाली, वो मेरी बात नहीं सुनेंगी, समझ आ गई है? तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि यार वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।